दुर्गापुर में हुए 1 करोड़ रुपए की लूटकांड में सोमवार सालानपुर थाना के रूपनारायणपुर एवं फोकरडी में दुर्गापुर एवं सालानपुर थाना पुलिस ने संयुक्त छापेमारी अभियान चलाया और इलाके के 2 कारोबारी और पृथ्वीराज ओसवाल एवं उसके साथी अजय दास के घर सोमवार से ही पुलिस ने छापेमारी अभियान में जुटे रहे। पुलिस सूत्र के मुताबिक दुर्गापुर में करोड़ों रुपए की लूटकांड मामले में फरार दोनों व्यवसायी संलिप्त है, जिन्होंने दिल्ली के कारोबारी मुकेश चावला से दुर्गापुर में 1 करोड़ रुपए लूट की घटना को अंजाम दिया है। मामले में पहले ही दुर्गापुर थाने ड्यूटी ऑफिसर एएसआई समेत कुल 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। डकैती का मास्टरमाइंड रूपनारायणपुर इलाके का रहने वाला पृथ्वीराज है और जिसमें उसके साथी अजय दास भी शामिल है। वही पुलिस के छापेमारी से पहले ही दोनों फरार हो गए हैं। पुलिस ने उनके घर से छापेमारी के दौरान कई अहम दस्तावेज समेत करीब 6 लाख रुपए, कई मोटरसाइकिल, कई महंगे कार बरामद किया है। वही पृथ्वीराज ओसवाल के घर से बंदूक की बरामदगी के बाद उसके पत्नी को सोमवार पुलिस ने पूछताछ के बाद देर रात गिरफ्तार कर लिया और दोनों घरों को सील कर दिया गया। पृथ्वीराज ओसवाल की गिरफ्तार पत्नी राधिका ओसवाल को उसके एक छोटे बच्चे के साथ मंगलवार न्यायालय के सुपुर्द कर दिया गया। वही दोनों के साझेदारी में बनाए गए हिंदुस्तान केबल्स रोड पर होटल सोमवार से ही बंद है। वही इस मामले में पुलिस दोनों के तलाश में जुटी हुई है। सालानपुर से राहुल तिवारी की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताजा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।